चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 95 लाख के पार पहुंच गई है और बीते दिन लगातार 25वें दिन कोरोना के 50,000 से कम और लगातार चौथे दिन 40,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 35,551 नए संक्रमित केस पाए गए हैं, तो वहीं पर 526 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 40,726 मरीज कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार कुल मामले बढ़कर 95,35,000 हो गए हैं और इनमें से अब तक 1,38,648 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 4,23,000 हो गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 6,000 के करीब पहुंच गई है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड-19 का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बता दें आपको कि पूरे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो आंकड़ा है वो 95 लाख के पार हो चुका है। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीरज शर्मा। नीरज, लगातार भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के, जहां पर जो आंकड़ा है वो 95 लाख के पार हो चुका है। सरकार की पूरी कोशिश है, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें हों, लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जाती कैसे इस पर वायरस पर कंट्रोल पाया जाए, लेकिन आंकड़े फिर भी लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं पिछले आंकड़ों के अकॉर्डिंग काफी कम भी हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, लगातार जो कोरोना के आंकड़े प्रदेश में बढ़ रहे थे, 3200 एक दिन के अंदर आंकड़े आ गए थे जो चौंकाने वाले थे, अब घट करके 1900 के आसपास ही आंकड़े रह गए एक दिन के अंदर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोरोना का ग्राफ देखने को कम हुआ है। हालांकि राजधानी जयपुर में बात करें तो 750 या 727 के आसपास तक जो केस पहुंच गए थे वो घटते घटते अब 600 के नीचे आने लगे हैं, 400 और 600 के आसपास। लेकिन फिर भी जो केस बने हुए हैं जयपुर और जोधपुर के अंदर, ये चिंता का विषय सरकार के लिए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी इसको लेकर के एक बैठक करी और बकायदा अधिकारियों के साथ में चर्चा करी कि किस प्रकार से इन आंकड़ों को हम कम कर सकते हैं। सेंट्रल की एक टीम भी आई हुई थी, नीति आयोग के उसमें सदस्य भी थे, उनसे भी पूरी चर्चा हुई। 1% से कम राजस्थान में मृत्यु दर है कोरोना को लेकर के, इस पर केंद्र सरकार ने तारीफ करी है राज्य सरकार की, इस आंकड़े को अच्छे से जो है मृत्यु दर को कम किया है और 0.5% से भी नीचे लाने के बाद जो है वो टारगेट किया गया है राज्य सरकार को। तो सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से राजस्थान में मृत्यु दर कम हुई उसको लेकर भी केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार की तारीफ भी की है, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार लगातार जो अभियान चला रही है कोविड-19 को रोकने के लिए, उनका ये अभियान अब सफल हो रहा है? देखिए, अभियान चलाना एक सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है, और आम लोगों को जागरूक करना सरकार का कार्य है। लेकिन अगर हम इसको कह दें कि पूरी तरीके से अभियान सफल है तो वो सच्चे अर्थों में एक बेमानी वाली बात हो जाएगी। अभियान तो चल रहे हैं लेकिन हम सच्चे अर्थों में तब इसका उन्मूलन मानेंगे जब पूरी तरीके से कोरोना मिट जाएगा। ये महामारी के चलते एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो ये चिंताजनक है, और सरकार के लिए भी, मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो वो सरकार के लिए चिंताजनक बात है कि किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। तो इस महामारी को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उस ओर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और एक अब बड़ी बात ये हुई है कि वैक्सीन जो है उसको ब्रिटेन के अंदर मंजूरी मिल गई है। वो वैक्सीन कब तक मार्केट के अंदर आ पाएगा, क्योंकि 95% तक उसका एक सफलता जो है वो निकल करके सामने आई है। फाइजर कंपनी की और एक अन्य जर्मन कंपनी ने मिलकर के ये वैक्सीन बनाया है। यदि ये भारत को समय से प्राप्त हो जाए और जो गंभीर मरीज है या फिर जिन लोगों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है, समय से इस प्रकार की वैक्सीन मिल जाए। रशिया की ओर से स्पुतनिक नाम की वैक्सीन भी बताई गई है, हालांकि उसका परसेंटेज कुछ कम बताया जा रहा है, सफलता का 60 से 64% के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की वैक्सीन, अगर वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा तो उन मरीजों को बचाया जा सकता है जो गंभीर स्थिति के अंदर है या जिनको चांसेस ज्यादा है संक्रमण के, या फिर जिनको निमोनिया या टेस्ट के अंदर आरटीपीसीआर के साथ जब टेस्ट की सीटी स्कैन कराते हैं उनके संक्रमण मिल रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को अब इस ओर पहल करनी होगी कि भारत सरकार अब उन देशों के साथ बातचीत करे जिनके अंदर ये दवाइयां निर्मित हो चुकी है और कोल्ड चेन की व्यवस्था को अपनी मजबूत करे। अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी मास वैक्सीनेशन की, इसके लिए जिस लेवल पर कोल्ड स्टोरेज चाहिए
लंबे समय तक इन टीकों को सुरक्षित रखने के लिए -70 डिग्री तक टेम्परेचर जो है उसकी आवश्यकता है। इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज भारत के अंदर नहीं है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि गांव ढाणियों के अंदर हम क्या करेंगे। शहरी अगर क्षेत्रों की बात करें तो 0 डिग्री और उससे कम कुछ तापमान तक कोल्ड स्टोरेज मिल जाते हैं, या फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित कई गोदाम होते हैं और स्टोरेज के गोदाम होते हैं जिन कोल्ड स्टोरेज में सब्जियों को फलों को रखा जाता है, लेकिन वो सामान्य तरह के कोल्ड स्टोरेज है। 0 तक तो वहाँ टेम्परेचर बना लिया जाएगा, यानी 2 से 5 दिन तक जो डोज को देनी है उसका काम तो वहाँ हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसको प्रिजर्व रखना, क्योंकि मास वैक्सीनेशन में समय लगेगा और बड़ी जब डोजेज आएंगी तो किस लेवल पर तैयारी सरकार की रहती है, ये एक चिंता का विषय सरकारों के लिए होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए।